एंड वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को। तो मैं एक्चुअली आज ना अचानक से ही मेरा प्लान बन गया है, मैं जा रहा हूँ सिरमौर में, वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ का जो है मैं मतलब रिव्यू दूंगा पूरा। शिव जी का मंदिर जो है वहाँ कहते हैं कि मतलब शिवलिंग जो है वो हर साल एक या आधा इंच बढ़ता है शिवलिंग, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। और ये रही बाइक, और पीछे सामने पेट्रोल पंप है, वहाँ पेट्रोल पंप पे मैंने पेट्रोल वगैरह डलवा लिया था। मैं रूम से निकलते टाइम तो कुछ कैप्चर कर नहीं पाया, इसलिए मैंने सोचा कि अभी जो है मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ। तो अभी मैं निकल ही रहा हूँ, एक बार आप बाइक का वो देख लो, मैंने वॉश वगैरह करी है खुद, जैसा कि मतलब निकल रहा हूँ अभी। तो मैंने बाइक वगैरह वॉश कर ली थी, और वॉश करने के बाद वहाँ पर सामने जो है वो पेट्रोल पंप है, मैंने पेट्रोल वगैरह डलवाया, और अब मैं निकल रहा हूँ सिरमौर के लिए। वहाँ जाके एक्सप्लोर करूँगा आपको, क्योंकि मेरे को तो नाइट रात तो हो ही जाएगी पहुँचते पहुँचते। और फिर सफ़र करने के बाद मैं यहाँ पहुँचा था, और ये देखो आप कि यहाँ लिखा हुआ है राजपुरानी नारायणगढ़ यमुनानगर। तो मैंने जाना है अभी नारायणगढ़ वाला रोड जो है मैंने वो पकड़ना है, वहाँ से मैं लेफ्ट लूँगा, और यहाँ से मेरे को शॉर्ट पड़ेगा काड़ाम्ब। काड़ाम्ब पहुँच के मैं फिर वहाँ थोड़ी देर की ब्रेक लूँगा कुछ खाने पीने के लिए। तो चलो जल्दी से, काफ़ी मुश्किलों के बाद अब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ गई है। ये रहा कालाम का मेन गेट, यहाँ से होती है एंट्री सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के लिए। इस साइड हरियाणा है और उस साइड है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। तो फिर यहाँ कुछ सामान ले लेते हैं, फिर ढूंढते हैं कोई होटल वगैरह, तो चलते हैं जल्दी से। ये है काले आम का मेन गेट जो है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आपको पता है कि ब्लॉग की शुरुआत कल शाम से ही हो चुकी है, और अभी टाइम हुआ है 10:15 मॉर्निंग के, और मैं पहुंच चुका हूं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर। और अभी कुछ ही देर में मैं पहुंचने वाला हूं नाहन, और वहां पे जाके आपको दिखाने वाला हूं आज शिवजी का मंदिर, जो मैंने आपको बताया था कि हर साल आधा एक इंच जो है वो शिवजी का मंदिर बढ़ता है। और आप पीछे मेरे व्यू चेक कर सकते हो कि यहाँ से पहाड़ जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो मेरे ब्लॉग में बने रहना, और मॉर्निंग में जहाँ से मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ वहाँ पर मंदिर, तो उसका भी मैं आपको थोड़ी सी झलक दे देता हूँ उस मंदिर की। करो कि मॉर्निंग की शुरुआत जो है वो यहाँ से हो रही है भोले के मंदिर से, और मैं जा भी भोले के मंदिर ही रहा हूँ। तो और ये रही सामने बाइक खड़ी करी मैंने, और ये आप रास्ते चेक करो, इस साइड आप देख लो। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ पौड़ी वाला शिव मंदिर के मेन एंट्री पे। यहाँ से जो है ये देखो आप, ये जो मेन रोड है ये पड़ता है नाहन और कालाम्ब के सेंटर में ही आता है मैक्सिमम, जहाँ मोगीनंद है, मोगीनंद और नाहन से 5 किलोमीटर नीचे पड़ता है ये। तो आप देखो ये मेन रोड रहा, और यहाँ से एंट्री होती है पौड़ी वाला। इससे नीचे काफ़ी ज़्यादा खाई वगैरह है, क्योंकि एक बार मैं पहले भी आ चुका हूँ एक दो बार, तो सोचा कि एक्सप्लोर करने का टाइम आज मिला है। भगवान शायद यही चाहते थे कि आज के मैं ब्लॉग में शिव भोले का ये वाला रिव्यू दूँ, ताकि जो भी बंदा आए यहाँ उसे आसानी हो सके। तो फिर चलते हैं, और मैं दिखाता हूँ कि आपको ये जो रास्ता है ये कैसा है रास्ता नीचे तक, तो बने रहे इस ब्लॉग में। तो फाइनली मैं और मेरी बाइक जो है निकल चुके हैं शिव भोले के दर्शन करने के लिए, और आप सबको भी दर्शन करवाने के लिए। तो इसमें बने रहना, भागना मत दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है हर ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि हर नई जगह एक्सप्लोर करना दिस इज़ ए वेरी डेंजरस। एंड आपको बताइए कि एक अगर ब्लॉग बनाना हो तो एक टूर के लिए मुझे कितना खर्चा एफर्ट करना पड़ता है, तो आप खुद ही सोच सकते हो। तो यार कीप सपोर्ट करो यार दोस्तों, अगर सपोर्ट करोगे मैं तभी लेके आ पाऊंगा ऐसी ऐसी और मज़ेदार जगहें। ये देखो आप फिलहाल रास्ते का जो है इंजॉय करो, आप रास्ते का रिव्यू पूरा जो है। और ये आ गया डेंजर मोड, और नीचे से इधर को ना सिंगल गाड़ियां भी जाती हैं, गाड़ियां आती भी हैं ऊपर को। अब चेक करो, एक तो रास्ता कितना प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने, और ऊपर से ये देखो। और मैंने जो है बाइक बंद कर रखी है क्योंकि उतराई है, और ये देखो। और आपको पता है कि अकेले बंदे को कितना मुश्किल हो जाती है ब्लॉग बनाने में ये सारी चीजें वो करना, पर चलो दोस्तों यार करूंगा क्योंकि आप सबकी अगर सपोर्ट रही तो आने वाले टाइम में देखो आपकी मतलब नीचे तक भोले के मंदिर तक जो है वो रास्ता जो है बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। और ये चेक करो आपकी साइडों में जंगल ही जंगल है, और ये देखो ये मैं चला अकेला भोले के पास। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर्यावरण की रक्षा। और ये चेक करो ये
छोड़ेंगे दिल मगर बोलेंगे दर्शन नहीं छोड़ेंगे। ये चेक करो आप, व्यू 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 चेक करो, व्यू चेक करो। और ये रही, दिस इज ए मोस्ट डेंजरस खाई। ओ भाई साहब, यहाँ 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 देखो आप, यहाँ 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 यहाँ, बस भोलेनाथ 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 की कृपा रहे, बस भोलेनाथ की कृपा रहे, भोलेनाथ की कृपा रहे, भोलेनाथ की कृपा रहे। और ये देखो आप, देखो आप, देखो। और बने रहना ब्लॉग में, भागना मत, भागना मत, भागना मत। सो फाइनली अब कुछ पल और हम होंगे भोले बाबा के पास, दोस्तों भोले बाबा के पास। तो फाइनली ये लास्ट उतराई है, थोड़ी सी जो बची है, और वो देखो आप मंदिर। यहाँ रहते हैं भोले बाबा, जिनका शिवलिंग जो है वो हर साल आधा इंच एक इंच बढ़ता है। तो चलो फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं भोले बाबा के पास। यहाँ पे खड़ी कर दी मैंने बाइक, यहाँ से है एंट्री भोले बाबा के पास। तो जल्दी से शूज शाज खोलते हैं, चलते हैं। ये जो बोर्ड है ये भी लगाया हुआ है किसी ने, शायद कुछ दान वगैरह किया है। और ये देखो आप, और ये, और नीचे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ आगे बन ही रहा है क्योंकि काफ़ी बड़ा जो है। और ये देखो आप, यहाँ पे फाइनली शूज़ जो है मैंने निकाल दिए हैं, अब चलते हैं जल्दी से। तो फाइनली मैंने पहले माथा मुथा टेक लिया है, मंदिर में शिवजी भगवान के दर्शन कर लिए हैं, अब करवाते हैं आपको रिव्यू और आपको दर्शन करवाते हैं भोलेनाथ के। तो बने रहना आप ब्लॉग में। तो यहाँ मैंने उस, वहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ जो कोना बना हुआ है, उस कोने के उस साइड मैंने शूज़ वगैरह निकाले थे। और यहाँ से एंट्री होती है, और यहाँ पे रहते हैं साधु संत, यहाँ पे साधु संत रहते हैं, उनका धूना वगैरह है, और ऊपर भी कुछ बन रहा है। यहाँ से आप एंट्री करके फिर सबसे पहला जो व्यू है, पहले आप दर्शन करो, नंदी महाराज जी आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी मंदिर है यहाँ, और बाकी मैं और भी दिखाऊंगा, और मान्यता बहुत सारी है इस मंदिर की। ये देखो, और वहाँ रहे शिवलिंग, ये है शिव भोलेनाथ, आप दर्शन कर लो। ये देखो, और ये टाइम आप देख सकते हो अभी 11 बजने वाले हैं। तो ये रहे, ये यहाँ पे शिव भगवान जी के आपको मैंने दर्शन करवा दिए हैं। ये वही शिवलिंग है जो हर साल एक इंच आधा इंच बढ़ता है। और यहाँ रहे हनुमान जी, हनुमान जी की यहाँ पे मूर्ति स्थापना कर रखी है, मंदिर बनाया हुआ। यहाँ पे भी माता रानी का है मंदिर। और ये चेक करो आप, राधा कृष्ण, जय श्री राधे जय श्री कृष्णा, ये राधा कृष्ण आ गए हमारे। और फिर यहाँ पे ये जो है ना, ये जो देख रहे हो आप, ये क्या है, भनौर की, ये हमेशा यहीं पे रहती हैं शुरू से ही, एक दो बार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, यहीं पे रहती हैं। और अंदर जो है पूजा चली हुई है। और ये देखो आप, नंदी महाराज जी आ गए हमारे। और ये यहाँ, और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है अगर हम नंदी महाराज जी के पीछे खड़े होके ऐसे रिव्यू लेते हैं। तो ये रहा दूना, यहाँ पे आपको पता है कि यज्ञ वगैरह जब भी होता है मंदिर में कोई यज्ञ प्रसाद, तो यहाँ यज्ञ किया जाता है, आहुति जो है डाली जाती है। अब चलते हैं आपको, आप देखो पीछे नंदी महाराज जी कितने अच्छे हैं यहाँ पे, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं, और आज भोलेनाथ ने जो है मुझे अपने दर्शन करवाने के लिए यहाँ पे बुला लिया, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी अच्छी पवित्र जगह पे जाने का मौका मिल रहा है, और ब्लॉग बनाने का मौका मिल रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें ज़्यादा ट्विस्ट पता क्या है, मैं एक वो है आपको ना एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, पर नीचे सीढ़ियों पर जाके। तो चलो फिर करो, ये देखो, ये भोले बाबा यहाँ पे भी हैं, आपको हर जगह भोले बाबा ही मिलेंगे, क्योंकि ये है पौड़ी बाला। और यहाँ से सीढ़ियाँ उतरते हैं, और मैं आपको जो इंटरेस्टिंग बात बताने वाला था ना, वो पता क्या बात है, वो ये बात है कि जब रावण उस टाइम में, अपने टाइम में जब रावण शिव भगवान को प्रसन्न करके उनको उठा के अपने लंका ले जाने की कोशिश कर रहा था, अब मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं, पर यहाँ के लोग जो है वो मानते हैं ऐसा, कि जब वो ले जाने की कोशिश कर रहा था तब उसे रास्ते में जो है वो पेशाब आ गया था, बाथरूम आया उसे, और उसने क्या किया, शिवलिंग को किसी के हाथ में पकड़ा दिया और खुद बाथरूम करने चला गया। तो ये जो आप नदी देख रहे हो,
ये कहते हैं कि रियलिटी है कि ये वही है, ये रावण का जो पेशाब किया था उसने उस टाइम, ये वही नदी है जो अभी चली हुई है। अभी ये मुझे नहीं पता बात का, तो मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है झूठ है, पर यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितनी भी यहाँ पे पब्लिक आती है, वो सारा ये मानते हैं कि ये जो आप पीछे नदी देख रहे हो ये वही नदी है, क्योंकि और ये वाला जो शिवलिंग भी वही शिवलिंग है जो उस टाइम रावण ने, रावण को बाथरूम आने की वजह से रावण ने दूसरे किसी बंदे को दिया था और वो उसने नीचे रख दिया था, उसे उठाया नहीं गया ज़्यादा देर तक बेट। और ये जो रावण की नदी है ये आप चेक कर सकते हो, और अगर आप आना चाहते हो तो आपको लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, आप सीधे आओ यहाँ काला आंब से आगे आता है मोगीनंद से मैक्सिमम 10 किलोमीटर ही पड़ेगा आपको, 10 किलोमीटर आके आप किसी से भी पूछ सकते हो कि पौड़ी वाला मंदिर कहाँ पे है। तो चलते हैं, यहाँ पे पीछे है एक वो प्रथा है कि मतलब यहाँ सिक्के वगैरह डालते हैं, तो ये भी दिखा देता हूँ मैं, कुआँ है यहाँ पानी का, तो चलो जल्दी से। तो अब मैं भी सिक्का डालने वाला हूँ, जय माता रानी, बस सुख शांति बख्शना, जय हो। अब मुझे मिल चुका है प्रसाद, बाबा जी ने मुझे प्रसाद दे दिया है बनाना खाने के लिए, तो निकलते हैं फिर यहाँ से, दिखाते हैं बाकी के सीन्स थोड़े बहुत जो भी हैं, चलते हैं भोले बाबा, बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी जब आपकी कृपा होगी तो ज़रूर मिलेंगे वापस फिर। फाइनली मैं आ चुका हूँ मेन रोड पे वापस माथा टेक के, और आपने भी देख लिया होगा, और आप मेरे पीछे देख रहे हो पौड़ी वाला की जो मेन एंट्री है वो यहाँ से होती है, और ये जो मेन रोड है अब मैं यहाँ से निकलूँगा। और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग देखने में मज़ा आया होगा, मैंने आपको बता दिया ये पड़ता है नाहन और कालाम के बीच में, ज़्यादा दूरी है नहीं है ये चंडीगढ़ से, मैं जैसे कल शाम को निकला था तो चंडीगढ़ से मैक्सिमम 3 घंटे का रास्ता तो है ही है बाइक पे अगर आप आराम से आते हो तो, नहीं तो आप 2.5 घंटे का रास्ता मान के चलो। अगर आपको मेरे ब्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है ना तो यार दोस्तों कीप सपोर्ट करो मुझे, ताकि मैं ऐसे और जगहें लेके आ सकूं, और भोले बाबा के मैंने दर्शन करवाए हैं, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा दर्शन करके, और आपको पता चल गया होगा कि यो जितनी भी ऐसी जगहें हैं मैं सारी एक्सप्लोर करूंगा अगर आपकी सपोर्ट रही तो। तो अगर ऐसे और ब्लॉग देखना है तो यार प्लीज़ बने रहो मेरे ब्लॉग पर, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार एक ब्लॉग शूट करने में, आपको पता ही है। तो जो भी मेरा भाई बंधु जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है यार कीप स्पॉट, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर कहीं भी कमी पेशी आपको नज़र आती है ना तो यार आप सुजेशन दे सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप सुजेशन दे सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी मेरे को बोल सकते हो, पर यार प्लीज़ सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो, थैंक यू। मिलते हैं ऐसे और मज़ेदार ब्लॉग में, क्योंकि मैं यहीं पे ब्लॉग ये वाला एंड कर रहा हूँ, वैसे भी मैं कल शाम से शूट कर रहा था, इतना लंबा ब्लॉग ले जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना लंबा ब्लॉग जो कोई देखना तो पसंद करेगा नहीं, इसलिए मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा चौड़ा ना खींचते हुए यहीं दी एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं ऐसे और मज़ेदार ब्लॉग में, फिलहाल निकलते हैं, बाकी के सीन्स दिखाएंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बने रहना, भागना मत कहीं भी, जय हिंद जय भारत एंड जय भोले बाबा।